दोस्तों, किंग खान की फिल्म जवान देखने के लिए सन्नी देओल पाजी बेटे के साथ थिएटर जाते नजर आए। दोस्तों, गदर 2 के बाद जवान ने भी तूफान मचा दिया है। वही सन्नी पाजी भी किंग खान की फिल्म को जमकर सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जवान ने इस साल की सबसे बड़ी ओपनिंग ली है। किंग खान की फिल्म जवान ने दुनिया भर की कमाई करके नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है। दोस्तों, जवान का क्रेज इतना ज्यादा है कि लोग जमकर नाच रहे हैं। जवान का क्रेज और हाइप इतना बड़ा है कि इसके आगे पठान तो छोटा बच्चा नजर आ रहा है। जबकि पठान बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म थी, लेकिन जवान को लोग बॉलीवुड का दादाजी बता रहे हैं। खैर दोस्तों, अगर फिल्म की कमाई की बात करें तो 2 दिन में ये फिल्म 140 करोड़ से ज्यादा कमाई सिर्फ भारत से करती नजर आ रही है। वही दुनिया भर से 200 करोड़ का आंकड़ा पहले 2 दिन का पार हो सकता है। इस लेवल का कैमरा डायरेक्शन दिखाया गया है, आज से पहले भारतीय फिल्मों में नहीं देखा गया। दोस्तों, हर तरफ जवान की पूरे बॉलीवुड में बहुत बड़ी हाइप बन चुकी है, और ये हाइप इसलिए बन रही है क्योंकि फिल्म के अंदर दमदार चीजें देखने को मिल रही हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 500 करोड़ पठान ने इंडिया से कमाए तो बाकी की रकम विदेशों से कमाई थी। फिलहाल जवान का क्रेज पठान से भी ज्यादा है, और ऐसा लगता है ये फिल्म पठान के साथ साथ बाकी फिल्मों को भी रिकॉर्ड तोड़ सकती है। जिस तरह से लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं, ये फिल्म 2000 करोड़ का कलेक्शन पार कर सकती है। वही जवान ने रिलीज होते ही बड़ा धमाका कर दिया। शाहरुख खान की फिल्म पठान ने लगभग 1000 करोड़ की कमाई की थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 500 करोड़ पठान ने इंडिया से कमाए तो बाकी की रकम विदेशों से कमाई थी। फिलहाल जवान का क्रेज पठान से भी ज्यादा है, और ऐसा लगता है ये फिल्म पठान के साथ साथ बाकी फिल्मों को भी रिकॉर्ड तोड़ सकती है।